मीवी ने भेजे हैं भैया डुओपॉड्स A25। तो आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि ये डुओपॉड्स कैसे हैं, और मैं ना थोड़ा दो तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कुछ यूज़र्स की कंप्लेंट भी आ रही है इसके अगेंस्ट कि जिस प्राइस पे ये आ रहे हैं, जिस प्राइस पे लॉन्च हो रहे हैं, जस्टिफाई करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि ये चीपेस्ट TWS ईयरफोन है। और चीप से मेरा मतलब क्वालिटी या फिर सर्विस से नहीं है, चीप से मेरा मतलब है प्राइस, जिस प्राइस पे ये लॉन्च हो रहे हैं। 1200 रुपये में आपको अमेजोन पर देखने को मिल जाएंगे, तो उस हिसाब से इसको जज करने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड की। बिल्ड कैसी है? ऑफकोर्स प्लास्टिक बिल्ड मिलती है आपको इस प्राइस रेंज में, लेकिन स्टिल प्लास्टिक इसमें काफ़ी अच्छा यूज़ किया हुआ है। मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा इसके प्लास्टिक मतलब इसकी बिल्ड को, और ऊपर से शाइनिंग है, काफ़ी छोटे से कॉम्पैक्ट से पता भी लगता है कि आपके कान में लगे, मैंने उल्टा लगा दिया, पता भी लगता है आपके कान में लगे भी हैं, बहुत छोटे से हैं और कॉम्पैक्ट से हैं, कंफर्टेबल से, बहुत अच्छा कंफर्ट है इनका। तो बिल्ड के मामले में मैं देना चाहूँगा 5 out of 5, क्योंकि इसकी बिल्ड मेरे को वाकई में बहुत अच्छी लगी है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी में आपको मिलता है इसमें ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट, जो ठीक ठाक काम कर लेता है आपको अराउंड 30 फीट के आसपास। कोई भी दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। दिक्कत मेरे को वहाँ पर तब लगी जब थोड़ी सी डिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो इसमें बीच बीच में ना साउंड ब्रेक होने लग जाती है। जैसे अगर आप थोड़ा सा 30 या 35 फीट की डिस्टेंस पे जाओगे, जिसमें जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने अपने टीवी के साथ कनेक्ट किया था इसको, देख रहा था, टेस्ट कर रहा था, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा चला गया, दूर चला गया, तो साउंड ब्रेक दिख रही थी, लेकिन इतना भी दूर नहीं गया था, अराउंड 30 फीट के आसपास ही था मैं। तो ये ध्यान रखना, अगर थोड़ा सा बीच में डिस्ट्रैक्शन सी आए या फिर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए तो साउंड ब्रेक हो जाती है, वो तो हर ईयरफोन वायरलेस ईयरफोन की दिक्कत रहती है। और आपको टाइम पास के लिए एक बात बताऊँ, ये देखो सेटिस्फेक्शन सी आवाज़ आ रही है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे पुश कर दूँ ना थोड़ा, तो ये टूट सकता है और मेरे लहसुन लग सकते हैं। और जब मेरे पास पहले मीवी के कॉलर क्लासिक आए थे, तो मैंने एक कंप्लेंट करी थी कि यार इसमें माइक्रो यूएसबी दिया हुआ है, आपको टाइप सी देना चाहिए था, और वो बात शायद उन्होंने सुन ली और उस पर काम किया, और इस वाले TWS ईयरफोन में दिया है आपको टाइप सी कनेक्टिविटी विद फास्ट चार्जिंग। मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूँगा इस बात को कि इतने कम प्राइस पे टाइप सी चार्जिंग देना, ऊपर से फास्ट चार्जिंग देना विद टाइप सी डाटा केबल, भले छोटी सी है लेकिन स्टिल आपके डब्बे में मिलती है, तो बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है कि कोई इंडियन ब्रांड इस प्राइस रेंज पे इतनी सारी स्पेसिफिकेशन दे रहा है। ऊपर से वाटरप्रूफ भी है, पूरा वाटरप्रूफ नहीं कि आप पानी में बाल्टी में डुबा दो इसको, स्वेट प्रूफ, थोड़ा सा पसीना या फिर बारिश के छींटे छुंटे सह जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर बैटरी की बात करें तो ठीक ठाक बैटरी बैकअप इसमें मिल जाता है, 70-80% की वॉल्यूम पे आप इसको अराउंड 30 घंटे तक इसको चला सकते हो। अगर थोड़ा सा वॉल्यूम कम करते हो तो शायद इससे भी ज़्यादा चला सकते हो, मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन हाँ ठीक है। तो मैं बैटरी और चार्जिंग के मामले में इसको 5.5 देना चाहूँगा, 5.5 नहीं 5 out of 5 देना चाहूँगा, क्योंकि इसमें फास्ट चार्जिंग मिलती है विद USB टाइप सी, जो मेरा फेवरेट पार्ट बन चुका है अभी, क्योंकि मेरे जित 2-3 फोन है उनमें टाइप सी डाटा केबल लगती है, तो माइक्रो USB ढूंढनी पड़ती है कि कहाँ रखी है। टाइप सी डाटा केबल है वो जहाँ मर्जी निकालो इसमें लगा दो, तो वो एक कन्वीनियंट वाली बात बन जाती है, तो मेरे को वो पसंद है। तो भाई लोगों, आपको एक बात बताना भूल गया, इसमें टच कंट्रोल का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपने किसी कॉल का आंसर करना है या फिर कॉल रिजेक्ट करनी है, नेक्स्ट गाना सुना है, पुराने वाला गाना सुना है, गूगल असिस्टेंट चलाना है, सीरी चलानी है, तो आप यहाँ से यूज़ करके इसको डबल टैप करके, सिंगल टैप करके या प्रेस करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें एक फीचर दिया हुआ, तो मैं बताना भूल गया था। अबे साले, और आफ्टर ऑल ये ईयरफोन है तो साउंड की बात करें बिना बात अधूरी रहेगी। तो साउंड कैसी है इनकी? साउंड एकदम ऑन टॉप है, भले TWS है तो उस हिसाब में थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें बेस और वोकल्स को काफ़ी अच्छे से एडजस्ट किया हुआ है, तो आपको वही 70-80% की वॉल्यूम पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। दिक्कत मेरे को थोड़ी सी लगी इसकी वॉइस क्वालिटी में, क्योंकि जब मैं इसको यूज़ करके वॉइस मतलब कॉल पर बात करी किसी के साथ, क्योंकि जब मैंने कॉल पे बात करी तो मेरे को बीच बीच में साउंड ब्रेक दिख रही थी, हो सकता है मेरे केस में नेटवर्क प्रॉब्लम हो, लेकिन मेरे को दिखी तो मैंने आपसे शेयर कर दी। तो साउंड के मामले में मैं देना चाहूँगा 3 out of 5, 4 दे सकता था, लेकिन मेरे को थोड़ा सा जब कॉल पे बात करी तो मेरे को इतना कुछ खास पसंद नहीं आई। और सेकेंड, मैं ऐसी एक्सपीरियंस कर रहा था कि मैं ये इनके साथ मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, जब वीडियो रिकॉर्ड करते तो आपको पता ही है एकदम शांत वातावरण चाहिए होता है, कोई कुकर की सीटी नहीं आनी, मम्मी नहीं चला रही पीछे से, लेकिन जब मैंने ये लगा के वीडियो रिकॉर्ड करी तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, मेरे को साफ साफ सुनाई दे रहा था कि कौन क्या बोल रहा है, और इसमें भी रिकॉर्ड हो रहा था, तो मेरे को वो पसंद नहीं आया। तो मैं उस हिसाब से आपको बोल रहा हूँ कि 3 out of 5। MEMC दिया हुआ है इसमें, डब्बे में दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है मुझे पता नहीं लगा, मैंने नेट पर भी चेक नहीं किया कि MEMC है, लेकिन नॉइस कैंसिलेशन है इसमें, जब आप कान में लगाओगे तो आपको बाहर की आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी, तो आपको बाहर का कुछ भी सुनाई नहीं देगा, वो है, लेकिन जब आप बात करोगे तो थोड़ा सा एक
कैच कर लेता है, बाहर की नॉइस कैच कर लेता है, तो वो एक मैं आपको बात बता रहा हूँ। और एक फन फैक्ट बताऊँ, इनका मेरे को सबसे बड़ा यूज़ क्या लगा, मतलब मैं तो इतना यूज़ करता नहीं क्योंकि मैं ज़्यादातर गाने सुनता नहीं हूँ। आजकल घर में जब घर से बाहर होता तो वही गाने सुनता हूँ, घर में तो मैं इतने गाने सुनता नहीं। लेकिन इनका सबसे बड़ा यूज़ मैं बताऊँ आपको क्या लगा, जब भतीजे को सुलाना होता है तो मैं उसके कान में ये डाल देता हूँ और पीछे थोड़ा सा हल्की वॉल्यूम में गाने चला देता हूँ, तो वो सो जाता है। फिर जब सो जाता है तो ये निकाल देता हूँ, सिंपल। चलो ये तो होगी ईयरफोन की बात, नए नए लॉन्च हुए थे तो आपको बता दिया कि इसमें ये मिलता है। लेकिन कुछ एक यूज़र्स की इसमें कंप्लेंट भी है, कुछ बोल रहे थे कि इसमें चार्जिंग का इशू है, कि चार्ज नहीं हो रहे हैं। कुछ एक की कंप्लेंट थी कि इसमें नोटिफिकेशन लाइट नहीं आ रही है। और ये वाला केस सिर्फ ब्लैक कलर के डब्बे में ही हो रहा है, तीन चार कलर में मिलते हैं, रेड ब्लू ग्रीन, लेकिन मेरा ब्लैक कलर में आया है क्योंकि आपको पता ही है मेरा प्यार ब्लैक से, तो ब्लैक कलर में मैंने परचेज किया था। लेकिन मेरे को कोई भी इशू नहीं दिखा। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे ब्लैक कलर में भी मेरे को यहाँ पे नोटिफिकेशन लाइट दिख रही है, आपको भी दिख रही होगी, इवन ईयरफोन में भी दिख रही है और केस में भी दिख रही है, यहाँ देखो। लेकिन कुछ एक यूज़र्स की कंप्लेंट है कि इसमें ना लाइट दिख रही है ना फास्ट चार्जिंग हो रही है, तो हो सकता है इनमें कुछ इशू है कि जब इनकी बैटरी पूरी जीरो पर ड्रेन हो जाएगी उसके बाद जब चार्जिंग करेंगे तो शायद ठीक हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ एक प्रोडक्ट्स में ही प्रॉब्लम हो या कुछ एक प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन बात करना इस बारे में ज़रूरी था क्योंकि मेरे केस में भले प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दूसरे लोगों के केस में तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। क्योंकि 1200 का प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करोगे और बाद में अगर आपको कुछ ऐसी चार्जिंग ही नहीं होगी, सिर्फ वन टाइम होगा, तो वो वर्थ इट नहीं होगा ना। लेकिन बात करना जरूरी था, हो सकता है कुछ एक यूनिट्स में ऐसा कुछ इशू दिखे, लेकिन अगर इम्प्रूवमेंट की जाए तो बाद में ठीक हो सकता है। क्योंकि ब्रांड्स जो है वो वीडियोस देखते हैं, भले आपकी वीडियो पे 50 व्यूज़ आ रहे हैं, 100 व्यूज़ आ रहे हैं, भले आपके सब्सक्राइबर्स 50 हैं, 100 हैं, मेरी तरह 500 हैं, 1000 हैं, लेकिन ब्रांड्स अगर वीडियो देखते हैं और अगर उसमें आपने कुछ अच्छी बात बोली या फिर बुरी बात बोली है, तो ब्रांड्स उसको इम्प्लीमेंट करके एक इम्प्रूवमेंट के साथ अगला प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। तो मेरा क्या ओपिनियन है इस TWS ईयरफोन के बारे में, तो जिस प्राइस रेंज पर ये लॉन्च हो रहे हैं उस प्राइस के हिसाब से ये दी बेस्ट है, क्योंकि ऐसी क्वालिटी, ऐसी सर्विस और ऐसे फीचर्स आपको शायद इस प्राइस पर कोई और ईयरफोन नहीं दे रहा। और तो ये TWS है, आप बस इसे निकालो, कान में लगाओ और आपके पेयर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से वाटरप्रूफ है, फास्ट चार्जिंग है, टाइप सी है। अगर आपने प्रोडक्ट देखना है तो मेरे हिसाब से 8 out of 10, मतलब 10 में से मैं 8 नंबर इसको देना चाहूँगा, क्योंकि इसकी बिल्ड मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। ऊपर से इसके जो फीचर्स मिल रहे हैं, वाटरप्रूफ मिल रहा है, एकदम प्लग एंड प्ले है कि आप लगाओ और आपका काम चालू। बाकी कुछ ऐसे होते हैं जो कॉल नेक बैंड होता है उनको ऑन करो फिर कान में लगाओ, या फिर जो वायर्ड वाले होते हैं वो फ़ोन में कनेक्ट करो फिर कान में लगाओ, फिर उसकी तार देखो कितनी लंबी है। इनका ऐसा नहीं है डब्बे से निकालो कान में लगाओ, तो उस हिसाब से मैं इनको जज कर रहा हूँ। बाकी अगर आपने देखना तो अमेज़ॉन पर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पर मेरी वीडियो ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा, 3, 3, 2, 1। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर नए हो तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।